सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार अगर आप आते हैं ऑनलाइन इसी इंटरनेट की दुनिया में तो आपने कभी ना कभी यार मैश रेडियो नेटवर्क के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आपसे इसी मैश नेटवर्क रेडियो के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये मैश रेडियो नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ हमारे इंटरनेट की, तो बेसिकली इंटरनेट जो है एक नेटवर्क का जाल है और यार इसी नेटवर्क को इसी नॉट को बेसिकली कनेक्ट करते 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 कंप्लीट जाल बना है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। अब यार देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इंटरनेट की, तो इंटरनेट पर पूरी दुनिया बेसिकली जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ में और यार आती है ऑनलाइन की करती है अपना काम, जो भी बेसिकली उनका दिन भर का काम है वो कर लेती है अगर रिगार्डिंग टू इंटरनेट है। तो बेसिकली यार इंटरनेट का बेसिकली जो कंप्लीट फंडा है ना वो तो निकल के आता है हमारे पास नेटवर्क का। अब यार नेटवर्क होता है हमारे पास वो अच्छी क्वालिटी का, तो बेसिकली जिस तरीके से अच्छे वायर्स या फिर अच्छा कनेक्शन अगर हमने कर रखा है तो हमारा नेटवर्क कभी भी फेल नहीं होगा और ट्रबल शूटिंग की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका काम जरा यह है कि हम बेसिकली इस जो नेटवर्क है इसको इस तरीके से यूज करते हैं जो आपके पास निकल गया था मैश रेडियो नेटवर्क। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूँ ना रेडियो की, तो यार रेडियो तो आप भी जानते हैं, मैंने काफी टाइम पहले आपसे वॉकी टॉकी के बारे में भी एक बात की थी। जिस तरीके से वॉकी टॉकी अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करता है ना, उसी तरीके से इंटरनेट पे तो खुद का नेटवर्क क्रिएट नहीं होता, लेकिन हम भी इस बेसिकली जो नेटवर्क का फंडा है उसी को काम में लेते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। अब यार देखो पूरी दुनिया है काफ़ी बड़ी और यार ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें चाहिए होती है बड़ी बड़ी केबल जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जिसके जरिए यार हम जो पूरी दुनिया को जो भी पूरी बेसिकली दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनके जो एरियाज हैं उनको आपस में कनेक्टेड कर रखा है लोकली और ग्लोबली भी दोनों तरीके से। तो बेसिकली इसका जो फंडा है ना रेडियो मैश नेटवर्क का, ये कुछ इस तरीके का है कि यार हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं जो कि अपने काफ़ी बड़े स्केल पे होता है और यार वो जो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क होता है वो काफ़ी बड़े स्केल अप एक्सपेंशन लेवल पे स्केल अप होता है और यार हम क्या करते हैं हम उसी नेटवर्क के थ्रू बाद में इंटरनेट को स्वैप करते हैं और अपने साथ में, और यार बेसिकली उसका जो फंडा है ना वो ये निकल के आता है कि हम एक कंप्लीट और एक एकदम सिक्योर नेटवर्क बना लेते हैं इसी मैश रेडियो नेटवर्क की मदद से। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूँ ना नेटवर्क की, तो नेटवर्क बेसिकली हमारे इंटरनेट की जान है। मान के चलो अगर इंटरनेट इंसान है तो मैश रेडियो उसकी IQ है, मतलब उसका इंटेलिजेंट कोशेंट है। अब यार देखो अगर किसी इंसान के पास में अकल ना हो तो वो बेसिकली बेवकूफ़ कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इंटरनेट की, तो इंटरनेट इसी तरीके से इसी का फंडा बेसिकली इसके साथ में रिलेट करके देखो तो इसी तरीके से इसका जो काम है वो कंप्लीट होता है। अगर नेटवर्क ना हो तो इंटरनेट का कोई भी बेसिकली फंडा नहीं बनता और इंटरनेट नेटवर्क के बिना काम नहीं कर सकता। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूँ ना आपकी ISP की, तो मान के चलो कि यार आपकी ISP किसी के साथ में किसी के पास से जो इंटरनेट है उसको अपने पास में डायरेक्टली ले रही है। अब यार वो तो ISP ले रही है, वो तो सिर्फ उसके अकेले के पास है, उसके इंडिविजुअल है, वो तो एक अपने पास उसने इंटरनेट को अपने पास साथ में ले लिया है, लेकिन यार वो आगे इंटरनेट को किस तरीके से स्प्लिट करेगा, किस तरीके से स्प्रेड करेगा, किस तरीके से फैलाएगा और किस तरीके से पहुँचा देगा सर्विस इंटरनेट की हर किसी नॉर्मल कंज्यूमर के पास में। अब यार देखो जो मैश नेटवर्क का कंसेप्ट है ना वो कुछ इस तरीके का है कि मान लो कि आपके पास 5 नोड्स हैं। अब यार 5 नोड्स का मतलब 5 कंप्यूटर। अब यार आपने क्या किया कि आपने उन कंप्यूटर को कर दिया वायरलेसली कनेक्टेड, मतलब ये कि मान के चलो कि आपने बड़ी 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 फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फिर जो भी आपके बेसिकली बजट के अंदर केबल्स आ रही हैं उसको आपने लगा दिया इसके अंदर और उसके बाद में आपने कनेक्टेड कर दिया एरिया से कंट्री को, कंट्री से दूसरी कंट्री को, इसी तरीके से अपने पास डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को, विलेज को, इसी तरीके से जो भी हमने बेसिकली रूरल एरिया जो रिमोट एरिया है उनको आपने कनेक्ट कर दिया और आपने क्या किया कि आपने इसी तरीके से जो कनेक्टेड हमारे पास प्रोसेस है उसको हम कहते हैं नेटवर्क और आपने एक बना दिया मैश रेडियो नेटवर्क। इसका मतलब ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर तो आप भी जानते हैं कि वाईफाई काम करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और मैं अगर आपसे बात करूँ रेडियो फ्रिक्वेंसी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देती है इसी इंटरनेट की दुनिया में। अब यार बेसिकली जो मैश रेडियो नेटवर्क है ना उसका फंडा ये निकल के आता है कि आपने 5 नोड्स को कनेक्ट किया, मतलब ये कि आपने 5 कंप्यूटर कनेक्ट किया। अब यार 5 कंप्यूटर पर आप इंटरनेट ले रहे हो तो आपने उसको फैलाना कैसे है? अब यार देखो आपके पास है एक वायर्ड या तो फिर वायरलेस मीडियम का ऑप्शन या फिर बगैर वायरलेस का, मतलब ये कि या तो आप वायर के साथ में यूज़ करो या फिर आप बिना वायर के यूज़ करो। अब यार बिना वायर का तो बेसिकली कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, आपको यार डेफिनेटली वायर को लेंगे काम में और आप क्या करेंगे अपनी अपनी जो वायर से बेसिकली उसको बिछा देंगे। ग्लोबली ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम हम कर रहे हैं सिर्फ कंट्री के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल कंट्री को हमने सेलेक्ट किया उसी के अंदर हम इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने क्या किया कि हमने अपने जो भी बेसिकली हमने नॉट लगाए और नॉट का जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है हमारे ISP और उसके साथ में हमने जो भी बेसिकली लोकल एरियाज है उनको कनेक्ट कर लिया छोटी छोटी केबल के साथ में। अब यार उसके बाद में वो सर्विस जो है वो इंटरनेट की प्रोवाइड कर रहे हैं और बाद में
जो भी बेसिकली बाद में जो चार्जेस हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब यार देखो ये क्या करता है, ये मैच शेड्यूल नेटवर्क अपना खुद का नेटवर्क तो क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये नेटवर्क को स्प्रेड करने में आपकी मदद करता है। मतलब ये कि मान लो यार पूरे इंटरनेट पे, सपोज कर लो कि पूरे इंटरनेट जो बना है वो बना है 100 कंप्यूटर में, मतलब जो पूरे इंटरनेट से नेटवर्क बना है वो बना है 100 कंप्यूटर से। अब यार ऐसे बेसिकली ये थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूँ मान के चलो एक एग्जाम्पल के साथ में कि यार 100 कंप्यूटर से जो हमारा पूरा इंटरनेट है वो कनेक्टेड है और इस तरीके से पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो प्रोवाइड हो रहा है इंटरनेट। अब यार ये क्या करेगा, हमारे पास मैच रेडियो नेटवर्क ये इस तरीके से काम करता है कि ये आपके जो नेटवर्क है उसको फैला देगा। मतलब ये कि आपके पास दो कंप्यूटर, दो से चार, चार से छः, आठ, दस, इस तरीके से आपके कंप्यूटर को ये फैला देगा और आपकी जो नॉट्स है उसको फैला देगा और इसी तरीके से बड़ा बड़ा, इस तरीके से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता जाएगा और आपको यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी जगह पर। बेसिकली आपको अगर इंटरनेट प्रोवाइड करना है उन एरियाज में जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता कोई भी, उस जगह पर भी आप इजीली इसी नेटवर्क के थ्रू जो है वो अपना बेसिकली इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे बड़े ही आराम से। तो बेसिकली यार फंडा जो है ना मैच रेडियो नेटवर्क का वो कुछ इसी तरीके का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।